हाय फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ने कल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, उसके बेस के ऊपर सम एग्जांपल्स हम हेलो कंपाउंड पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वाला क्या है, आपके स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपके बुक में, कॉमन नेम दिया हुआ है और आईयूपीएससी नेम दिया होता है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता ही है कॉमन नेम और आईयूपीएससी नेम के बारे में। अब चलो थोड़े से एग्जांपल्स सॉल्व करके देखते हैं। तो ये है फर्स्ट वाला, वो देखो अब उसमें क्या है, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन उसका, उसमें नंबरिंग देखते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको पहले आपको होमवर्क में दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आप लोग एक्सपांड करके देखो। इसमें आपको नेमिंग, कॉमन नेम या आईयूपीएससी नेम में कुछ पता नहीं चलेगा, उसको पहले एक्सपांड करो। ठीक है, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसे खुलेगा, CH3CH2CH CH से CL जुड़ा हुआ है तो वो लिख दिया CC CL और फिर ये CH3 हो गया, ये एक्सपांडेड फॉर्म। अब हम लोग को नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे? तो पहले तो वन नंबर ये वाले CH3 को जाएगा, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर से पास पड़ेगा वो उसको हमें फर्स्ट नंबर देना है। तो ये हो गया, देखो यहाँ से नंबरिंग देंगे तो कैसे होगा, 1, 2, 3 थ्री नंबर पे CL3 लग रहा है, बट यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 1, 2 तो 2 नंबर पे क्या CL लगेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे। तो हो गया ये 2-chloro, ठीक है, 2-chloro-butane, ये हो गया IUPAC नेम, मैंने पहले बताया आपको 2-chloro-butane। लेकिन इसको हम लोग को कॉमन नेम लिखना हो तो हमें ये पता है कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, CL कहाँ लगा हुआ है, इस साइड, और इस कार्बन को दो कार्बन अटैच है इसलिए वो क्या होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंडरी, और ये क्या है, ब्यूटेन, उसको हम लोग कॉमन नेम में ब्यूटाइल लिखते हैं, और ये हो गया क्लोराइड, हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं, CH3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, किससे कनेक्ट अटैच है, C से, तो ये C और ये CH3 हो गया, फिर उसके बाद CH2 है, फिर BR है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से वन नंबर क्यों नहीं दिया, जहाँ पे हैलाइड होंगे या फिर डबल बॉन्ड होंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, हैलाइड हो जिस लोएस्ट नंबर टू द हैलाइड्स। ठीक है, तो वन नंबर ये ब्रोमीन को लग गया, सेकेंड ये वाले कार्बन, और थर्ड लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन, तो ये भी होती है, ये वाला करेंगे, लेकिन उस टाइम पे 1, 2, 2 पे ब्रोमो आएगा वो हमें नहीं चलेगा, हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट को नियरेस्ट नंबर देना है, इसलिए 1, 2, 3, इसलिए इसका नंबर नेम आईयूपीएससी नेम क्या होगा, 1-bromo-2-2-dimethyl, कितना है, प्रोपेन। ठीक है, ये रहा देखो आईयूपीएससी नेम 1-bromo-2-2-dimethyl-propane हो गया। उसी तरीके से अब है कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम का जैसे कि कल बताया था कि नियो का हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1, 2, 3, 4 उसको हम लोग नियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को नियो बोलेंगे, तो उसको लिख दिया नियो, 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन है, सारी कॉमन नेम में सारे कार्बन गिनने होते हैं हमें, तो पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, और आईयूपीएससी में क्या गिनते हैं, ऐसे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उसको अलग नेम करते हैं, और लॉन्गेस्ट चेन का नेम अलग से होता है, लेकिन कॉमन नेम में सारे कार्बन सब्स्टिट्यूएंट को काउंट करके उसका नेमिंग बनता है। उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसको कैसे लिखा हुआ है, CH3 में बोल, ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है, CH3 होल ट्राई CBR, इसको आप लोग को ओपन करना है। इसका मतलब क्या होता है, नीचे बेस पे 3 है, दैट मीन्स कार्बन के पास 3 बॉन्ड उसके सी मिथाइल अटैच है और एक बॉन्ड पे BR अटैच है, जैसे कि ये लिखा है, एक कार्बन के ऊपर 3 CH3 अटैच है और एक BR है, इसको आप लोग को ओपन करना है। तो ये हो गया उसका, आप लिखते हैं आईयूपीएससी नेम क्या हो गया, देखो इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 और 3, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2-bromo-2-methyl, कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन हो गया। देखो मैं फिर से बताती हूँ, 1, 2, 2-bromo-2 ये मिथाइल, ये वाले मिथाइल की बात कर रहे हैं, 2-bromo-2-methyl, कितने कार्बन की चेन है, 3 प्रोपेन हो गया। अब देखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम में कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन अटैच है तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्शियरी बोलते हैं, 4 कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा था, 4 कार्बन अटैच होंगे, एक कार्बन को 4 कार्बन अटैच होंगे, दैट टाइम इट इज नोन एज नियो, लेकिन इसको 3 अटैच है इसलिए वो टर्शियरी बोलेंगे उसे, टर्शियरी, और
टर्शरी, फिर उसका सारे कार्बन किनो कितने हैं, चार, ब्यूटाइल और ब्रोमीन, बी आर एम मीन्स ब्रोमाइड अटैच हो जाएगा। उसी तरीके से अब आज का होमवर्क है आपका आईयूपीएसी नेम लिखना है ये दोनों कार्बन के, ठीक है। तो इसको क्या करना, आप सीएल को यहाँ पे मीन्स ठीक है इसको तो आप आईयूपीएसी नेम लिख देना, उसकी नंबरिंग यहाँ से करो यहाँ से करो सेम रहेगा। इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी वो आप लोग मुझे बताओगे लिख के। उसका देखो कॉमन नेम और इसका भी कॉमन नेम मैंने दे दिया है, आपको पता ही होगा, लेकिन आई हैव टोल्ड यू डबल बॉन्ड जब होते हैं उसको हम लोग विनाइलिक क्लोराइड, क्लोराइड क्लोराइड है अपने पास इसलिए विनाइलिक क्लोराइड, और इसके पास क्या हो जाएगा एलाइलिक। कल ही बताया था कि डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को हम लोग एलाइलिक ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है। आज का होमवर्क ये है। Thank you.